सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे इतिहास की। इतिहास में आज हम बात करेंगे अशोक की। पिछले वीडियो में हमने इतिहास से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जाना था कि किस तरीके से उसने मौर्य वंश की स्थापना की, चाणक्य और मेगस्थनीज के अनुसार उसकी शासन व्यवस्था क्या थी, और चंद्रगुप्त के बारे बिंदुसार ने शासन किया, और जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 273 ईसा पूर्व में, उसके बाद शासन व्यवस्था आती है अशोक के हाथ में। अब उसके बाद क्या होता है, जो अशोक के विषय में जो आज हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे अशोक के विषय से संबंधित थोड़ी प्रारंभिक जीवन की जानकारियां, उसके राज्य रोहण के विषय में जानेंगे, उसकी शासन व्यवस्था के विषय में जानेंगे, उसके धम्म के विषय में जानेंगे, और उसके जो धर्म प्रचार उसने किस तरीके से किया, उसे महान क्यों कहा जाता है, और मौर्य साम्राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें, यानी कि जो अशोक ने जीवन में अपने मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए कार्य किए, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों की हम जानकारी लेंगे, और किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, इन कारणों को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अशोक की। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड इसका रहा है। अब बात करते हैं अशोक कौन था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, जो उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठता है, और चंद्रगुप्त का ये पौत्र था। अशोक से बड़ा एक भाई था जिसका नाम था सुशीम। दिव्यावदान में उसका नाम सुशीम दिया हुआ है, वैसे सुमन नाम भी उसका मिलता है। और जो सबसे छोटा था इनमें वो था तिश्य। अशोक बिंदुसार की किस पत्नी का पुत्र था ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा अशोक अवदान में वर्णन मिलता है कि अशोक की मां का नाम था शुभद्रांगी। शुभद्रांगी जिसको महाबोधि वंश के अंतर्गत कहा गया है कि वो धम्मा के नाम से भी जानी जाती थी, और महल में एक दासी के रूप में रहती थी। अशोक की बहुत सारी रानियां थी, जिनमें जो सबसे प्रसिद्ध रानी थी वो थी देवी। देवी नाम था उनका। अब अशोक की जो पत्नी देवी थी, इसी से संतान उत्पन्न हुई थी, जो थी संघमित्रा और महेंद्र, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया था। तो संघमित्रा और महेंद्र देवी से ही उत्पन्न संतानी थी। अब बात करते हैं कि अशोक का राज्य रोहण कब होता है। अगर हम पौराणिक तिथियों की बात करें तो पौराणिक तिथियों के अनुसार अशोक का जो राज्य रोहण होता है वो बिंदुसार की मृत्यु के बाद, यानी कि 273 ईस्वी पूर्व में किया जाता है, होता है। लेकिन जो राज्याभिषेक होता है, दोनों तिथियों में अंतर है। जो राज्याभिषेक होता है वो राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में, यानी कि 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है। अब इसके राज्याभिषेक में और राज्य रोहण में 4 वर्षों का जो अंतर है, उन 4 वर्षों के अंतर के विषय में लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब अशोक को शासन प्रदान किया गया तो अशोक ने शासन के लिए अपने 99 भाइयों को मारा, जैसा कि सिंगली वृत्तांतों में मिलता है कि सिर्फ उसने तिश्य को छोड़ा, बाकी अपने 99 भाइयों को मारा तब वो सिंहासन पर बैठा। कुछ का विचार है कि संभवतः उसे शासन के लिए सुशीम से युद्ध करना पड़ा होगा, और जिसमें अशोक विजयी हुआ होगा, सुशीम का वध हो गया होगा, ऐसा संभवतः कहा जाता है। तो उस समय जितनी घटनाएं हुई उस कारण इस समय में, यानी कि राज्य रोहण में और राज्याभिषेक में अंतर रहा। इसके बाद बात करते हैं अशोक के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विजयों के विषय में। अशोक के जीवन से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विजयों का वर्णन मिलता है, जिनमें सबसे पहली है कश्मीर विजय। ये उसकी महत्वपूर्ण विजय में इसलिए है क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन व्यवस्था का विस्तार किया था तो उसने पंजाब तक तो अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, लेकिन कश्मीर पर उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं हो पाया था, यानी कि कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिला नहीं पाया था। लेकिन अशोक ने क्या किया, सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो कश्मीर पर ही किया, और कश्मीर पर आक्रमण करने के बाद उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। कश्मीर पर आक्रमण के विषय में जो जानकारी मिलती है वो कलहण की राज तरंगिणी से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, राज तरंगिणी किसने लिखी, कलहण की राज तरंगिणी से मिलती है।
अब बात करते हैं अशोक की जो दूसरी मुख्य विजय है, वो मुख्य विजय थी कलिंग विजय। कलिंग विजय से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उसने कलिंग युद्ध किया था। 8वें वर्ष में जब ये कलिंग युद्ध किया था तो 261 ईस्वी पूर्व का ये टाइम पीरियड था। अब इसमें क्या होता है, अशोक के 13वें शिलालेख में भी उल्लेख है कलिंग युद्ध से संबंधित, कि इसमें कुछ ऐसा लिखा गया है 13वें अभिलेख में कि वहां पर 1.5 लाख मनुष्य बंदी बनाकर देश से बाहर ले जाए गए, 1 लाख मनुष्य मारे गए, कई आदमी मारे गए, महामारी फैली। तो इस तरीके का कुछ उसमें उल्लेख किया गया है कि देवताओं के प्रिय अशोक को इससे बहुत दुख और खेद हुआ। तो इसका उल्लेख है 13वें शिलालेख में, यानी कि कलिंग विजय से संबंधित जो उल्लेख है वो 13वें शिलालेख में है। 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था उसने, जब उसका राज्याभिषेक हो गया था। और ये जो 261 ईस्वी पूर्व का जो टाइम पीरियड है, इस समय कलिंग युद्ध हुआ था जो कि आधुनिक उड़ीसा का उड़ीसा है, ठीक है। अब कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है कि अशोक का मन बहुत द्रवित हो जाता है वहां उतनी मारकाट देखकर, इतना भीषण युद्ध देखकर, और वो कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ले लेता है और हमेशा के लिए उसने युद्ध विराम की नीति को अपना लिया था। अशोक युद्ध विराम की नीति को किस युद्ध के पश्चात अपनाता है, वो कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध विराम की नीति का अनुसरण करता है। फिर कलिंग युद्ध के बाद ही जल्दी ही देवानाम प्रिय धम्म का अनुकरण करता है। धम्म के प्रेम और धम्म के उपदेश को वो उत्साहित होकर जन जन तक फैलाने के लिए प्रयासरत रहता है। अब बात करते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक का धम्म को अगर हम संक्षिप्त रूप में समझें तो अशोक का धम्म वो था जिसमें उसने सभी धर्मों को समन्वित रूप से, उनकी उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को समन्वित रूप से किसी एक विशेष धर्म में ना मानकर उन शिक्षाओं को समाहित किया था। तो अशोक का धम्म बहुत प्रचलित हुआ था। जब अशोक का कलिंग विजय होती है, मन द्रवित होता है, तो वहां से वो बौद्ध धर्म का अनुसरण करने लगता है और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। कलिंग युद्ध के बाद जब वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसमें एक भब्रो शिलालेख है जिसमें बुद्ध धर्म और संघ तीनों के विषय में उसकी जो आस्था है उसको प्रकट किया गया है। एक प्रथम स्तंभ लेख है जिसमें पता चलता है कि प्रथम स्तंभ लेख के अनुसार कि शुरू में लगभग 2.5 वर्षों तक ये बौद्ध धर्म का उपासक रहा और उसके बाद ये संघ में सम्मिलित हो गया और धर्म प्रचार में ये लग गया। जो अशोक ने बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान थे, जैसे लुम्बिनी था और कपिल वस्तु था, कपिल वस्तु बुद्ध गया, जिसे बौद्ध गया बोलते हैं, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इन सब स्थानों का उसने यात्रा की और उसने अपने जीवन में धर्म का, यानी कि बौद्ध धर्म का स्वयं को संरक्षक माना। अब अपने जो धम्म की उसने स्थापना की, अशोक ने अपने इन उपदेशों में ऐसी बातों को समाहित किया, ऐसी बातों को उसने इसके अंदर रखा जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में आत्मसात करना और पालन करना चाहिए। बहुत ही साधारण सी बातों को इसने इसके अंदर समाहित किया। जैसे उसने कहा कि हमें बड़े बूढ़ों की आज्ञा माननी चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, यानी कि पहला उसने रखा आज्ञा पालन। दूसरा उसने कहा कि हमें दान देना चाहिए, तो दान को उसने बहुत महत्व दिया। उसने कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, मतलब दया का अनुसरण करना चाहिए, व्यय कम से कम करना चाहिए, यानी कि कम वस्तुओं को संचित करना चाहिए, और प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो दास है या पीड़ित है, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मन और कर्म की शुद्धि अनिवार्य थी, यानी कि मन कर्म की शुद्धि पर ध्यान दिया, और कहा कि चाहे आपका परिचित है, अपरिचित है, कोई भी व्यक्ति है, सबके प्रति नम्रता और स्नेह का व्यवहार किया जाना चाहिए। अब अशोक का ये जो इनके नियम, ये नियम उसने जो बनाए थे उसके अनुसार इनका पालन करने के अतिरिक्त उसने कहा क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या और या उग्र व्यवहार है या निष्ठुरता है, इन सभी बुराइयों से हमें दूर रहना चाहिए, जिसे उसने नाम दिया धर्म मंगल,
यानी कि धर्म मंगल क्या है, नियम अशोक के दृष्टिकोण के अनुसार जो ईर्ष्या है, क्रोध है, अभिमान है, निष्ठुरता है, इन सभी से दूर रहने को उसने नाम दिया धर्म मंगल। अब बात करते हैं जो अशोक का धम्म है उसकी क्या विशेषताएं हैं। अशोक के धम्म से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये जो धम्म था ये सार्वभौमिक था। सार्वभौमिक का मीन्स ये था कि इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी, ना जो क्षेत्र संबंधी कोई संकीर्णता थी, न व्यक्ति संप्रदाय संबंधी कोई संकीर्णता थी। तो ये धम्म या धर्म जो था अशोक का ये सार्वभौमिक था। दूसरा इसमें दिया था कि श्रेष्ठ पवित्रता और नैतिकता को महत्व दिया गया था, यानी कि श्रेष्ठ और पवित्र नैतिकता को महत्व किया गया था, यानी कि इसके अनुसार जो भी नैतिक आचरण है वो व्यक्ति के नैतिक आचरण को उसने जीवन से जोड़ दिया और शुद्ध नैतिक आचरण को करना अनिवार्य माना। तीसरा था कि जो मूल धार्मिक तत्व हैं उन पर बल दिया। मूल धार्मिक तत्वों के अनुसार यानी कि जितने आडंबर हैं, कर्मकांड हैं, उनका उसने विरोध किया, उनकी उपेक्षा की, उन्हें महत्वहीन बताया और कहा कि जो मूल धार्मिक तत्व हैं यही मूल धार्मिक तत्व धर्म से संबंधित हैं। फिर उसने कहा अहिंसा की उच्चता, उसने कहा सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। फिर जब अशोक ने धम्म की स्थापना की थी उसने अन्य धर्मों की उपेक्षा नहीं की थी, उसने अन्य धर्मों को भी समान रूप से स्थान दिया था, उनका उतना ही मान किया था। उसने कहा कि अगर हम अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं तो इससे अपने धर्म की वृद्धि विकास होता है, साथ ही दूसरे धर्म पर इसका उपकार सिद्ध होता है। फिर उसने कहा कि लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। इस लोक कल्याण की भावना से ही उसने जीवन में जब उसने युद्ध किया था, ये कलिंग युद्ध हुआ था, तो उसके बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन हुए तो उसमें लोक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण भाव का भी समावेश हुआ था। फिर उसके भीतर जो थी यानी कि धम्म से संबंधित जो मुख्य कारण था, एक था धार्मिक उदारता और सहिष्णुता। धार्मिक उदारता और सहिष्णुता के अंतर्गत था कि धर्म में उदारता और सहिष्णुता को उसने मुख्य स्थान दिया और स्वयं अशोक सभी जितने भी धर्म प्रचलित थे उनका आदर करता था और उनका सम्मान करता था। और ये जो धर्म था इसका जो महत्वपूर्ण इसमें बात थी, आडंबरहीन था, किसी भी तरीके का इसमें आडंबर नहीं था, ना कोई कर्मकांड था, ना अंधविश्वास था, ना कोई अनुष्ठान था। तो जिस वजह से ये बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो नियम है बहुत ही सामान्य नियम है और इसे आसानी से आत्मसात किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने क्या प्रयास किए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत प्रयास किए। जैसे पहला प्रयास तो उसका यही था कि उसने खुद इस धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और उसने मांस त्याग कर दिया। उसने इसकी शिक्षाओं को यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूर्ण तरीके से अनुसरण किया। सादे कपड़े वो पहनता था और किसी भी तड़क भड़क का अनुसरण नहीं करता था, पवित्र जीवन जीता था, जिसको देखकर जनता का उस पर विशेष प्रभाव पड़ा और जनता भी अपने राजा की तरह अनुसरण करने लगी। फिर था बौद्ध धर्म को उसने राजधर्म बना दिया। बौद्ध धर्म को जब राजधर्म बना दिया तो इस राजधर्म के अनुसार यानी कि जो हम जो पहला स्तंभ लेख है उस प्रथम स्तंभ लेख में कहा गया कि लगभग 2.5 वर्ष तक वो बौद्ध धर्म का उपासक रहा और उसके बाद वो किसमें सम्मिलित हो जाता है, संघ में सम्मिलित हो जाता है और जो बौद्ध धर्म को उसने एक राजधर्म की तरह स्वीकार कर लिया था। तो जब ये राजधर्म बन गया तो जनता ने या लोगों ने इसको बहुत आसानी से इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया था। फिर उसने इससे संबंधित बहुत सारी धार्मिक यात्राएं की। धार्मिक यात्राओं के अनुसार अशोक ने विहार यात्राओं को कम महत्व दिया और उसने धार्मिक यात्रा को ज्यादा महत्व दिया। वो इन यात्राओं में ब्राह्मणों से मिलता था, श्रमणों से मिलता था, उन्हें दान देता था, वृद्धों का दर्शन करता था, उन्हें सुवर्ण देना, ये सारी चीजें वो ये करता था और जो उससे संबंधित उपदेश होते थे वो ग्रामवासियों के पास जाकर उनसे संबंधित
धर्म से संबंधित मीन्स उपदेश देते थे और चर्चा करते थे धर्म संबंधी विषयों पर। तो धार्मिक यात्राओं के दौरान जो वो सीखता था, समझता था, वो जनता के साथ उसे बांटता था। धर्म श्रवण इसका जो अगला गुण था जिस वजह से वो धर्म प्रचार कर पाया। धर्म श्रवण की एक व्यवस्था कराई गई जो धार्मिक विषयों पर भाषण कर सके। सातवें स्तंभ लेख में एक उल्लेख मिलता है कि अशोक समय समय पर अपनी प्रजा को धार्मिक संदेश देता था। तो ये सातवें स्तंभ लेख में उल्लेखित है कि वो अपनी प्रजा को धर्म से संबंधित उपदेश देता था और धार्मिक संदेश देता था, और इसके लिए यही धर्म का जो संदेश का काम करते थे वही धर्म श्रवण के नाम से जाने जाते थे। अब राजकीय धर्म विभाग की उसने स्थापना कर दी थी, यानी कि उसने ऐसे लोगों की स्थापना कर दी थी जो धर्म का प्रचार कर सके, और उनको बताया कि वो जनता के बीच में जाए, अपने आध्यात्मिक और नैतिक विचारों को जनता तक पहुंचाए। और इस जो धर्म विभाग को बनाया गया था उस धर्म विभाग के अधिकारी को कहा जाता धर्म महामात्र। तो ये धर्म महामात्र का कार्य होता था कि प्रत्येक पांचवें वर्ष वो यात्रा करे और जन साधारण को उपदेश दें। अब इनके कार्यों का भी निरीक्षण किया जाता था गुप्तचर के द्वारा। तो गुप्तचर विभाग इनके कार्यों का निरीक्षण करता था कि ये यात्राएं कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं, उस तरीके का इनका ऑब्जर्वेशन किया जाता था। फिर अशोक ने अपने जो शिलालेख बनाए, अपने जो स्तंभ लेख बनाए, इन पर उसने उनसे संबंधित यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अंकित करना शुरू कर दिया था, जिससे वो ऐसे स्थानों पर लगाए गए जहां पर जनता का ज्यादा आना जाना होता था, लोगों का ज्यादा आना जाना होता था, लोग उसे पढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे। अगला था कि जनहित के उसने बहुत से कार्य किए। जनहित कार्यों से संबंधित अशोक ने चिकित्सालय बनवाए हैं। चिकित्सालय जो बनाने की पुष्टि है, यानी कि जिसमें वो कहता है कि मैंने पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था कर दी है, पशुओं के लिए चिकित्सालय का उल्लेख उसका मिलता है द्वितीय शिलालेख में। ये है द्वितीय शिलालेख जो महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट। जितने भी शिलालेख को हम इसमें इंडिकेट कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। तो द्वितीय शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि वो पशुओं की चिकित्सा से संबंधित व्यवस्था उसने कराई थी और औषधालयों की स्थापना की थी। अब जनहित कार्यों किए हैं उसने, इससे संबंधित जो जानकारी मिलती है कि जनहित कार्यों से संबंधित जानकारी है उसके सातवें शिलालेख स्तंभ लेख में। सातवें स्तंभ लेख में कहा गया है कि जो अशोक है उसने, अशोक ने जनता के कार्यों के लिए यानी कि प्रजा के हित के लिए बहुत से कार्य किए। उसने आम के पेड़ लगवाए हैं, वाटिकाएं बनवाई हैं, उसने कुएं खुदवाए हैं, पशुओं और मनुष्यों की उपचार के लिए उसने कार्य किए हैं, सड़कें बनवाई हैं। तो इस तरीके से उसका उल्लेख मिलता है सातवें स्तंभ में लेख में, जिसमें जनहित से संबंधित जानकारी है, पशुओं की चिकित्सा से संबंधित जानकारी है द्वितीय शिलालेख में। फिर वो क्या करता है अपने राज्य में वो क्या काम करता है, पशु वध को निषेध कर देता है और अपने राज रसोई जो होती है उस राज रसोई में भी जो पशु प्रतिदिन काटे जाते थे उन पशुओं के काटने पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया था। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि इसी के काल में बौद्ध संगीति हुई थी और वो बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति या तृतीय बौद्ध सम्मेलन। इस तृतीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका स्पष्टीकरण किया गया है। उसके स्पष्टीकरण में अब एक बात हम जान लें कि जो ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ये तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था तो राज्याभिषेक के सातवें वर्ष में ये बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति में जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्त तिस्स ने, और जो उत्तर ग्रंथ है उसमें इसे उपगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं कहीं इसका विवरण उपगुप्त के रूप में भी मिलता है। अब इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है उनका स्पष्टीकरण किया गया था, किस वर्ष में हुई, 17वें वर्ष में हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, मोगलीपुत्त तिस्स की अध्यक्षता में हुई, और कहां पर हुई, पाटलिपुत्र में हुई। अब बात करेंगे कि जो दान व्यवस्था थी, दान को बहुत महत्व दिया इसने,
दान व्यवस्था थी, दान को महत्व दिया। पाली भाषा का इसने प्रयोग किया, पाली भाषा का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जनसाधारण की भाषा थी। तो जो भी इसने स्तंभ लेख या जो भी धर्म प्रचार करा था वो बौद्ध ग्रंथ जो थे उनका भी जब इसने अनुवाद किया तो उनका अनुवाद इसने पाली भाषा में कराया ताकि जनसाधारण इस भाषा के अंतर्गत उस धर्म के सिद्धांतों को और उपदेशों को समझ सके। उसने धर्म प्रचार के लिए विदेशों में लोगों को भेजा, जैसे कि दूतों को भेजा जो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। विदेशों में जब उसने दूत भेजे उसमें महत्वपूर्ण था कि उसने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजा गया था, तो संघमित्रा और महेंद्र को उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था श्रीलंका। इसके अतिरिक्त उसने बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों को भेजा, जैसे उसने कश्मीर में भेजा, गांधार में भेजा, मैसूर में भेजा था। तो अलग अलग जगहों पर उसने बर्मा, तिब्बत में, चीन में, जापान, कोरिया, इन जगहों पर भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन विदेशों में अपने दूतों को भेजा। अब अशोक का एक शिलालेख कहता है कि वो देवानाम प्रिय है, मतलब वो अपने विषय में बताता है कि मैंने धर्म प्रचार के लिए अपने दूतों को यहाँ यहाँ भेजा और बौद्ध धर्म इतने स्थानों तक वो फैल चुका है। उसने धर्म के अनुशासन का अनुसरण किया, धर्मानुशासन का अनुसरण किया, जो भी नियम उसमें बनाए गए थे उनका पालन किया। उसने बहुत से मठों का निर्माण कराया और उन मठों को उसने सहायता प्रदान की। तो ये था अशोक के धर्म प्रचार से संबंधित कि उसने क्या क्या काम किया। अलग से विभाग बनाया, शिलालेख बनाया, धर्म राजधर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है और संगीति कराता है, वो बहुत संगीति कराता है जिससे लोग उसके विषय में जान जाएं। अब बात करेंगे हम अशोक की शासन व्यवस्था की। अशोक की शासन व्यवस्था कैसी रही इससे संबंधित हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय शासन की। केंद्रीय शासन के अंतर्गत व्यवस्था यही थी कि राजा का पुत्र ही शासन करेगा, यानी कि राजपुत्र को ही अधिकार था कि वो न्याय की शक्ति से निहित रहेगा, कानून का पालन करेगा और वही राज्य का सर्वोच्च प्रधान बनेगा। तो ये उसमें व्यवस्था की गई थी। अब एक बहुत पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। अब अशोक ने एक मंत्री परिषद भी गठित कर रखी थी जिसमें उसको परामर्श देने के लिए लोग होते थे, उनके परामर्श के आधार पर ही अलग अलग विभाग बनाए जाते थे और अलग अलग विभागों के अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाते थे। कुछ है जैसे महामात्र है, महामात्र वो होते थे जो मंत्री होते थे, इनका काम होता था, मंत्री एक प्रकार के मंत्री हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे अगर धर्म से संबंधित जो दान संबंधी या धार्मिक कार्य करते थे उनको बोला जाता था धर्म महामात्र, और जो स्त्रियों की सुरक्षा, उनके उत्थान और उनके कल्याण के लिए कार्य करते थे उन्हें बोला जाता था स्त्री अध्यक्ष महामात्र, और जो अंत महामात्र कहे जाते थे जो कि सीमाओं की सुरक्षा या सीमाओं पर नियुक्त किए जाते थे उनकी सुरक्षा के लिए उनको बोला जाता था अंत महामात्र। इसके अलावा वहां पर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, वहां पर होते थे लिपिक या लेखक जो राज आज्ञाओं को स्तंभों और गुफाओं पर लिखते थे, और उसने रखे थे प्रतिवेदक। प्रतिवेदक प्रजा के सुख दुख की सूचना राजा को देते थे और इनके लिए किसी भी समय राजा से मिलना संभव था, उसके लिए मना नहीं था। फिर राजवचनिक, यानी कि राजवचनिक का काम होता था जो भी राज आज्ञाएं हैं उन राज आज्ञाओं को लागू करवाना। अब बात करते हैं इसी क्रम में हम उसके प्रांतीय शासन की। प्रांतीय शासन के अंतर्गत वैसी ही थी प्रांतीय व्यवस्था जैसी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी। उसने प्रांतीय शासन व्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया। अशोक ने अभिलेखों में आर्यपुत्र या कुमार शब्द का प्रयोग किया है, ये वो होते थे जो राज परिवार के सदस्य होते थे। उसने प्रांत को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर रखा था, उन विभागों के अलग अलग पदाधिकारी थे जिसमें था रज्जु जो भूमि का प्रबंधन करता था, युक्त था जो राजस्व अधिकारी था, पुरुष था, पुरुष का कार्य था कि दंड की व्यवस्था करना,
तीसरा था ब्रजभूमि का कार्य था पशुधन की रक्षा करना और गौशालाओं का प्रबंधन करना, उनकी व्यवस्था करना। तो ये अलग अलग प्रांतीय शासन के अंतर्गत चार उसने व्यवस्था कर रखी थी जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते थे। अब बात करते हैं इसी क्रम में स्थानीय शासन की। स्थानीय शासन का जो विवरण इसमें मिलता है वो नगर प्रशासन की तरह ही व्यवस्था थी, जैसा कि उसके अभिलेखों से उत्कीर्ण होता है, अभिलेखों से पता चलता है कि उसकी जो ग्राम व्यवस्था थी या सॉरी स्थानीय शासन की जो व्यवस्था थी वो नगर प्रशासन के ही रूप में था, और जो उसका अधिक हेड होता था उसको बोला जाता था नगर व्यवहारिक, यानी कि इसकी तुलना वर्तमान के सिटी मजिस्ट्रेट से की जा सकती है। ये सिटी मजिस्ट्रेट जैसा कार्य करता है वैसा ही उस समय नगर व्यवहारिक कार्य करता था। अब अगले क्रम में क्या उसने कार्य किए, वो जनहित कार्य क्या थे, जैसे उसने चिकित्सा सुविधाएं दी, प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। प्रतिवेदक का काम था प्रजा के दुख सुख के विषय में जानना और राजा को उसको सूचित करना। उसके साथ ही उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति दी की, धर्म यात्राएं की, और कैदियों को भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वो मुक्त कर देता था। तो ये कुछ उसके जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य थे। अब अशोक बहुत ही महान सम्राट था ऐसा कहा जाता है, लेकिन अब हम ये कारण जानेंगे कि अशोक को भारत का महान सम्राट क्यों कहा जाता है। अब प्रश्न महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब अशोक के विषय में अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अशोक को महान सम्राट कहा है, जैसे उसमें स्मिथ हैं, यानी कि डॉक्टर विंसेंट स्मिथ हैं। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि अशोक एक महान सम्राट था, यदि वो योग्य नहीं होता तो वो इतने समय तक, यानी कि 40 वर्ष तक लगभग उसने शासन किया है, वो 40 वर्ष तक इतने बड़े साम्राज्य को चला नहीं पाता, और वो भी सफलतापूर्वक। फिर हेमचंद्र राय चौधरी हैं, उन्होंने भी उसके संदर्भ में कहा था कि अशोक बहुत धार्मिक सहिष्णुता थी, उसमें मेलजोल का गुण था, बौद्ध और जैन धर्म संप्रदायों में आपसी फूट पैदा करने वाली जो प्रवृत्तियां थी उसने बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण प्रदान किया। अब इसके अलावा जो मुख्य कारण है, जो अगर बिंदुओं में हम डिवाइड करें अशोक के महान होने से संबंधित, सबसे मुख्य कारण है कि वो जनता का सेवक था। वो जनता को अपनी संतान के रूप में ही मानता था। सारा जीवन उसने संतान यानी कि जनता की सेवा में लगा दिया। उसने जो उसका द्वितीय कलिंग शिलालेख है, ये इम्पोर्टेंट है, द्वितीय कलिंग शिलालेख के अंतर्गत कहा कि जो संपूर्ण प्रजा है वो मेरी संतान है, और मैं चाहता हूं कि मेरी संतान लोक और परलोक में सभी प्रकार के सुख और आनंद का वर्ण करें। तो ये द्वितीय शिलालेख में जो ये कलिंग शिलालेख है उसमें स्पष्ट किया गया। फिर छठे शिलालेख में फिर से वर्णन आता है। छठे शिलालेख में वो वर्णन करता है कि मैं कितना ही परिश्रम करूं और कितना ही राज्य कार्य करूं लेकिन मुझे संतोष नहीं मिलता। मैं जो भी कार्य करता हूं प्राणियों का मेरे पर ऋण है और मैं उस ऋण से मुक्त होने के लिए कार्य करता हूं। फिर दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो महान विजेता था। महान विजेता का मतलब सबसे पहले तो जो कश्मीर की विजय थी, वो कश्मीर विजय करना जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के टाइम पर नहीं था, उसने सबसे पहली विजय की कश्मीर की और कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिलाया। दूसरी जो महत्वपूर्ण विजय थी वो कलिंग की थी। कलिंग पर बिंदुसार ने आक्रमण किया लेकिन वो उसे अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया। अशोक ने कलिंग विजय की और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसने महान विजेता के रूप में यानी कि बहुत सारी भौतिक विजय के साथ साथ उसने बहुत सारी आध्यात्मिक विजयों को भी प्राप्त किया, जैसे वो बौद्ध धर्म को अपनाया, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बहुत सफल रहा। तीसरा जो महत्वपूर्ण था इसी में धर्म प्रचार से संबंधित था, वो एक धर्म प्रचारक था और महान धर्म प्रचारक था। उसने वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति थी उसको अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ अन्य जो धर्म थे उन सभी धर्मों को वो श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। अपने धर्म प्रचार के लिए उसने अलग अलग पदाधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें धर्म महामात्र कहा गया था। अपने पांचवें शिलालेख में वो कहता है, पांचवा जो शिलालेख है, पांचवें शिलालेख में ये कहा जाता है कि अपने राज्याभिषेक का जो 13वां वर्ष था उस 13वें वर्ष में
उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, यानी कि अपने राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष में उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिससे कि धर्म की स्थापना की जा सके, धर्म की घोषणा की जा सके और धर्म के द्वारा लोगों में आनंद व्याप्त करने का प्रयत्न किया जा सके। अब अशोक एक महान शासक भी था। अशोक महान शासक कैसे था? वो कलिंग युद्ध करता है और कलिंग युद्ध के बाद उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल जाता है। वो लोक हितकारी कार्य करता है और वो हितों की चिंता करना ही अपने जीवन का एक मेन मोटिव, एक मेन ध्येय समझ लेता है। वो धर्म यात्राएं करता है, धर्म उपदेश देता है और एक उसकी जो महत्वपूर्ण चीज थी, जो किसी भी शासक के लिए महत्वपूर्ण गुण होता है, वो ये है कि जितने टाइम उसने शासन किया लगभग 40 वर्ष तक, इतने टाइम उसने शासन किया तो ना तो किसी तरीके का आंतरिक कलह हुआ, ना आंतरिक विद्रोह हुआ और ना ही किसी भी तरीके का कोई आक्रमण उस पर हुआ। यानी कि चारों ओर जितना उसका साम्राज्य था वहां पर शांति व्यवस्था कायम रही और ये किसी भी राजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उसे महान बनाने के लिए। अब बात करें उसकी उदारता से संबंधित उसका जो 12वां अभिलेख है, उदारता से संबंधित 12वां जो शिलालेख है, वो 12वां शिलालेख ये कहता है कि 12वां शिलालेख में ये कहा गया है कि हमें हर दशा में दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए। दूसरे संप्रदायों का आदर करेंगे तो उस आदर की वजह से क्या होगा, दूसरे संप्रदायों पर एक उपकार होगा और अपने संप्रदाय की या अपने धर्म की उन्नति होगी। तो उसने आजीविकों को बराबर की पहाड़ियों में कुछ गुफाएं दान भी की थी, तो बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाओं का दान का उल्लेख मिलता है वो अशोक के द्वारा किया गया था। अब बहुत महान राष्ट्र निर्माता था। किसी भी राजा के लिए एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि वो अपनी बातों को जनता के साथ किन भावों से पहुंचा पाता है और जनता उसके बातों को कितने ध्यान से आत्मसात करती है और सुनती है। तो उसने अपने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए जनसाधारण की भाषा, जो कि वहां पे पाली भाषा थी, उसने पाली भाषा का प्रयोग किया। फिर उसने साम्राज्य के अधिकांश भाग में ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग किया, उसने खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया। तो इस प्रकार भाषा और लिपि के माध्यम से उसने सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। तो ये था कुछ कारण जिन वजहों से अशोक को महान कहा जाता है। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर जिक्र किया था शिलालेखों से संबंधित, तो अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख की। अशोक के शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से जो धर्म प्रचार वो कर पाया, इन शिलालेखों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर हम शिलालेखों को डिवीजन करें तो शिलालेख जो डिवाइड किए जा सकते हैं वो दो रूपों में डिवाइड किए जा सकते हैं। कौन से रूपों में डिवाइड किए जा सकते हैं? एक तो वो जो शिलाओं या चट्टानों पर खुदे हुए थे, यानी कि जो शिलाओं पर और चट्टानों पर खुदे हुए थे एक श्रेणी के अंतर्गत वो आए। दूसरे वो जो पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए थे, यानी कि स्तंभ लेख और शिलालेख जो पत्थर के खंभों पर स्तंभों पर खुदे हुए थे दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वो। अब शिलालेख जो खुदे हुए थे उनको भी हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो तीन भागों में डिवीजन कैसा है? एक वो थे जो शिलालेख कहे जाते थे, दूसरे वो थे जिन्हें लघु शिलालेख कहा जाता था, लघु शिलालेख जिन्हें कहा जाता था, और तीसरे वो थे जिन्हें गुफा लेख कहा जाता था। तो इस श्रेणी के अंतर्गत शिलालेख को भी हम डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों में। इसके बाद हम बात करें अगर स्तंभ लेख की, तो स्तंभ लेख को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते वही स्तंभ लेख और दूसरे होते थे लघु स्तंभ के रूप में, यानी कि लघु स्तंभ लेख जिसे कहा जाता था। अब जो द्वितीय स्तंभ लेख में है, द्वितीय स्तंभ लेख में वो अपने धर्म लेख लिखवाने के उद्देश्यों को प्रकट करता है, यानी कि द्वितीय स्तंभ लेख इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अशोक के जीवन से संबंधित 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेखों में कौन कौन से शिलालेख की क्या महत्वपूर्ण विशेषता रही है, पहले जान लेते हैं कि वो 14 शिलालेख क्या हैं, इनकी मतलब पूर्ण तरीके से
प्रतियां नहीं मिली हैं, कुछ अपूर्ण मिली हैं, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये 14 लेख मिले हैं। तो ये जो 14 लेख यहाँ पर मिले हैं, इनमें है शहबाजगढ़ी यानी कि जो पेशावर जिले में है, मनसेहरा का, और कालसी जो देहरादून में है, गिरनार जूनागढ़ के पास का, सोपरा जिला थाना के पास का, धौली उड़ीसा के पुरी जिले का है, और जौगढ़ आंध्र प्रदेश के गंजाम जिले का, इरागुड़ी, ये कुछ स्थानों पर मिले हुए 14 लेख हैं, शिलालेख हैं जो अशोक के जीवन से संबंधित हैं। तो ये शिलालेखों में अलग अलग, सबसे पहला जो है हम बात कर लेते हैं क्या क्या विशेषता है। पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है पहले में, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरे में वो ये कहता है कि मैंने मनुष्यों और पशुओं के चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, मनुष्यों और पशुओं के चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, चिकित्सा। तीसरे में बात करता है वो कि जो राज के पदाधिकारी हैं हर 5 वर्ष में वो भ्रमण करेंगे, जिससे कि धर्म के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो हर 5 वर्ष में वो भ्रमण करेंगे। चौथे शिलालेख में मिला है जो धर्म संबंधी नियम है वो इसके अंतर्गत बताए गए हैं, धर्म संबंधी नियम चौथे में बताए गए हैं। पांचवें में बताया गया है धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में, यानी कि जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगे रहेंगे उन महामात्रों की नियुक्ति के विषय में। छठे में बताया गया है आत्मसंयम के विषय में, यानी कि आत्मसंयम की शिक्षा इसके अंतर्गत दी गई है। सातवें और आठवें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है, ये महत्वपूर्ण है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है इसमें। दूसरा भी महत्वपूर्ण है, पहला भी महत्वपूर्ण है। तो सातवें आठवें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद नौवें शिलालेख में शिष्टाचार की व्याख्या की गई है, नौवें में शिष्टाचार की व्याख्या है। दसवें शिलालेख में ये कहा गया है कि प्रत्येक जो राज कर्मचारी है वो प्रजा की चिंता करे। ग्यारहवें में कहा गया है कि धर्म का जो वरदान है वही सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म वरदान सर्वश्रेष्ठ है। बारहवें में उसने ये कहा है कि सभी मतावलंबियों को, यानी कि जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्म के जो अनुयायी हैं उनका आदर सत्कार करना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना ये अनिवार्य है। तेरहवें में कलिंग युद्ध से संबंधित वर्णन मिलता है, वहां के हत्याकांड का वर्णन मिलता है, और चौदहवें में मिलता है कि लोगों को धार्मिक जीवन से संबंधित शिक्षा दी गई है कि किस तरीके से धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। तो ये है 14 शिलालेखों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं उससे संबंधित। जैसे 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण है जिसमें कलिंग युद्ध से संबंधित वर्णन मिलता है, दूसरा महत्वपूर्ण है, पहला महत्वपूर्ण है, 7वां 8वां महत्वपूर्ण है, और 3रा महत्वपूर्ण है जिसमें उसके भ्रमण संबंधी विषय में बताया गया है, जब उसने अनुसरण की, लोगों को आज्ञा दी है कि वो धर्म प्रचार के लिए भ्रमण करें। अब बात करते हैं लघु शिलालेख की। लघु शिलालेख यानी कि 14 शिलालेखों की तरह ये अपन उसके साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर मिले हैं, जिनमें हम नाम जान लेते हैं, जिसमें है रूपनाथ यानी कि जबलपुर जिले का, सहसराम शाहबाद जिले का जो बिहार में है, बैराट राजपूताना के जयपुर के पास का है, मास्की सिद्धपुर मैसूर का है, और जतिंग रामेश्वर चीतल दुर्ग जिले का है, और ब्रह्मगिरी चीतलपुर जिले का है। तो ये जो कुछ अन्य लघु शिलालेख हैं वो मिले हैं। इसके अतिरिक्त एक भाबरू शिलालेख भी है। भाबरू शिलालेख में राज जो हमें मिला है एक चट्टान के पास मिला है, राजपूताना के जयपुर में बैराट नगर के पास मिला है। इसके अतिरिक्त 2 कलिंग शिलालेख भी मिले हैं जिसमें कलिंग विजय से संबंधित वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं हम स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख के अंतर्गत 7 स्तंभ लेख मिले हैं। 7 स्तंभ लेखों में महत्वपूर्ण है, पहला है दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के अंतर्गत क्या है कि ये पहले दिल्ली से था लगभग 144 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, टोपरा नामक जगह पर, यानी कि टोपरा में यमुना के किनारे एक स्थान पर ये था।
अब वहां से क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली से ले आता है और वहां से उस स्थान पर स्थापित कर देता है जो स्थान अब दिल्ली में फिरोज शाह का कोटला नाम से जाना जाता है। तो टोपरा से ये कहां लाया जाता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वहां टोपरा से हटा दिया जाता है और जो वर्तमान में फिरोज शाह का कोटला स्थान है वहां पर इसे रख दिया जाता है, वहां पर स्थापित कर दिया जाता है। दूसरा है दिल्ली मेरठ का स्तंभ। अब इसमें भी क्या है, ये पहले मेरठ में था लेकिन फिरोज शाह तुगलक इसे क्या करता है, यही इसे मेरठ से कहां ले आता है, दिल्ली में ले आता है। इसके अलावा इलाहाबाद स्तंभ लेख है, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ है और रामपुरवा है और लौरिया अरराज स्तंभ है। अब बात करें लघु स्तंभ लेख की। लघु स्तंभ लेख में भी अलग अलग स्थानों पर ये मिले हैं, जिनमें सांची में मिला है, इलाहाबाद में मिले हैं और सारनाथ में मिले हैं। इलाहाबाद, सांची और सारनाथ, ये तीन स्थानों पर क्या है, ये तीन स्थानों पर लघु स्तंभ लेख मिले हैं। इसके अलावा दो तराई लेख भी मिले हैं, गुफा लेख भी मिले हैं। गुफा लेख में बराबर की पहाड़ी पर है जिसमें चार कृत्रिम गुफाएं मिली हैं, चार कृत्रिम गुफाएं मिली थी जिसमें से तीन में अशोक के लेख उसमें प्राप्त हुए हैं। तो गुफा लेख में वर्णन है कि किस तरीके से उसने इन गुफाओं को दान किया था। फिर शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के लेख जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर फिर से, कि शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के जो लेख हैं, ये लेख हैं खरोष्टी लिपि में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से जो लेख हैं उसके खरोष्टी लिपि में है, तो ये शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के हैं। ये लिपि कैसे लिखी जाती थी, अरबी की तरह थी, यानी कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। और बाकी सारे जितने लेख मिले हैं वो बाकी सारे लेख मिले हैं ब्राह्मी लिपि में, जो वर्तमान में नागरी लिपि का मूल है, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। तो ये दो हैं जो खरोष्टी में मिले हैं, इसके अतिरिक्त अन्य हैं जो ब्राह्मी में मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे लेख मिले हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि में बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, जैसे जो दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी लेख मिला है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के ऊपर स्तूप का निर्माण कराया गया, इसका उल्लेख है। स्तूप अशोक की धर्म यात्रा के 256 दिनों के बाद हुआ था, यानी कि उसके बाद बनवाया गया था जब उसने अपनी धर्म यात्राएं की थी, उसके 256 दिनों के बाद इन स्तूपों का निर्माण कराया गया। फिर अशोक का एक महत्वपूर्ण शिलालेख भी मिला है जो भारत की सीमा के बाहर है, यानी कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के शरीकुन नामक जगह पर मिला है। वो शरीकुन नामक जगह पर जो लेख मिला है वो है ग्रीक और अरमेक भाषा में लिखा हुआ। तो इन दो भाषाओं में लिखा हुआ जो अभिलेख है वो मिला है अफगानिस्तान में। अब बात करते हैं, कुछ मिले हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, जिनमें राजस्थान में मिला हुआ है, भीलवाड़ा जिले में, और ऐसा ही एक मध्य प्रदेश के बरहट गांव में मिला है जिसमें भगवतो बुद्ध लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में ये भी मिला है। अब बात करते हैं अशोक के साम्राज्य के विस्तार से संबंधित। अशोक का साम्राज्य जानते हैं हम, बहुत बड़ा था। उसने अपनी सीमाओं को 14वें शिलालेख में अगर वर्णन किया जाए तो वो खुद कहता है कि मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है। उसके बाद जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, अशोक की मृत्यु होती है 232 ईस्वी पूर्व में, उसकी मृत्यु के बाद कई उसके उत्तराधिकारी राज्य गद्दी पर बैठते हैं, जिनमें सबसे पहले बैठता है कुणाल। उसके बाद कुणाल के बाद दशरथ हैं, संप्रति हैं, शालीशुक, देवशर्मा, शतधनुष। दशरथ और जो विशेषता है दशरथ के विषय में, दशरथ ने ही अशोक के समान एक उपाधि धारण की थी, वो उपाधि थी देवानाम प्रिय। तो दशरथ है जिसने अशोक की इस उपाधि को अपनाया था। उसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था वैद्रथ। वैद्रथ ने शासन किया था 191 से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक, और इसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद नए वंश की नींव डाली थी। तो पुष्यमित्र शुंग इसका ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इंपॉर्टेंट है यहां पर ये चीज,
कि अंतिम शासक कौन था, पहली चीज ये। दूसरी चीज, किसने हत्या की थी? पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंग स्वयं एक ब्राह्मण था और उसके बाद उसने नए धर्म की, यानी कि नए जो साम्राज्य है उसकी स्थापना, नए वंश की स्थापना, धर्म की नहीं सॉरी, नए वंश की स्थापना वो करता है, जो वंश होता है शुंग वंश। अभी हम बात करेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य में, यानी कि जिसके इतने उत्तराधिकारी हुए, केवल 50 वर्ष भी उसके उत्तराधिकारी अशोक के साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, तो अशोक का या मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ, उस पतन के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण तो यही था कि उसके जो उत्तराधिकारी थे वो सारे के सारे अयोग्य थे। उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अशोक की भांति सारे साम्राज्य को एक सूत्र में बांध सके, और उनकी इस अकर्मण्यता की वजह से छोटे मोटे विद्रोह होने लगे थे, केंद्रीय शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। दूसरा है, जो उसके लिए कहीं ना कहीं अशोक की नीति जिम्मेदार थी, जिसमें उसने अनुसरण किया था अहिंसा की नीति का। जब अहिंसा की नीति का अनुसरण किया तो उसका ध्यान भटक गया अपनी सैन्य शक्ति को कमजोर, सैन्य शक्ति के संगठन की ओर जो उसका ध्यान था, वहां से उसका ध्यान भटक गया। अब अहिंसा की नीति के अनुसार जब सेना ने युद्ध नहीं किया, सैनिक भी क्या हो गए, निष्क्रिय से हो गए, उनकी शक्ति कमजोर होने लगी और युद्ध के प्रति उनमें भी उदासीनता बढ़ने लगी। तो इसी कारण जब बाद में कुछ युद्ध होते हैं, छुटपुट घटनाएं होती हैं, वो उसे भी संभाल नहीं पाते हैं। तीसरा था, अशोक की जो खुद की धार्मिक नीति थी, उस धार्मिक नीति की वजह से उसने ब्राह्मणों को अपना शत्रु बना लिया था, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किए जो कि ब्राह्मण नहीं चाहते थे, और जिस वजह से उसकी इस नीति के कारण ब्राह्मण उसके शत्रु बन गए थे। फिर उसकी मृत्यु के बाद उसके अंतःपुर या उसके दरबार की हम बात करें तो यहाँ पर षड्यंत्र होने प्रारंभ हो गए थे, दो गुट बन गए थे। अशोक की जैसी मृत्यु होती है दो गुट बन जाते हैं, जिनमें एक गुट होता है सेनापति की अध्यक्षता में और दूसरा गुट होता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अब अशोक की रानी जो तिशिरक्षिता है षड्यंत्र करती है और कुणाल को नेत्रहीन कर देती है। या अब इसी के बाद ये षड्यंत्र होते होते पुष्यमित्र शुंग जो है वो भैदरथ की हत्या कर देता है और खुद मगध का सम्राट बन जाता है। फिर जो पांचवा कारण था, यहाँ पर यातायात के साधनों का पूरे तरीके से विस्तार नहीं किया गया था, यानी कि केंद्रीय शासन व्यवस्था यातायात साधनों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं असफल थी, यानी कि यातायात साधनों का इस दौरान अभाव था। फिर जब उन्होंने देखा मौर्यों की शक्ति क्षीण हो रही है, यवनों ने इस बात को नोटिस किया और उसके बाद उन्होंने इसका फायदा उठाना चाहा और उसी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया जो कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, पश्चिमोत्तर प्रदेश था, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वहां पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद जो राजकीय कर्मचारी होते हैं, वो राजकीय कर्मचारी जनता के प्रति निरंकुश हो जाते हैं, कठोर दंड देने लगते हैं, तो जिस वजह से भी इसके पतन का एक कारण ये भी बनता है। और अशोक ने गुप्तचर विभाग को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में दिया गया था। तो अशोक के शासनकाल में पूरे तरीके से गुप्तचर विभाग की उपेक्षा हुई, जो कि पूरे राज्य के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हुआ। सूचनाएं नहीं मिल पाती थी और जिस वजह से जो मौर्य साम्राज्य है उसके पतन का कारण बना। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के अंतर्गत। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे मौर्य कालीन सभ्यता और संस्कृति के विषय में और जानेंगे पुष्यमित्र शुंग के विषय में कि किस तरीके से वो गद्दी पर बैठता है, किस तरीके से एक नए वंश की वो स्थापना करता है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्नों को समाहित करता है, शिलालेख से संबंधित और कलिंग युद्ध से संबंधित, अशोक के जितने कार्य किए गए हैं उनसे संबंधित, किस तरीके से उसने धर्म प्रचार किया इससे संबंधित, और जो बौद्ध संगीति की गई थी। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से कनेक्टेड रहिएगा। यदि हमारे लिए कोई सुझाव है तो सुझाव अवश्य दीजिएगा। साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।